यह हमीरपुर जिले में गांव में एक हम आए थे, ये सरदार मनजीत सिंह बैठे हुए हैं उनकी गाड़ी से, यहाँ भट्ठे के लिए आए थे और वासल यात्रा में हम निकले हुए हैं, पर्चे बांट रहे हैं और ये डबल रोटी लेके आए थे, यहाँ बच्चों को सब बटवा रहे हैं। तो अब हम लोग आगे रवाना होंगे, आप थोड़ा ये बताइए, ऐसे हाथ लगाइए, एक हाथ सीधा हाथ और जो है ऐसे लगाओ, सीधा पंजा यहाँ डालो और दूसरा हाथ ना लगाना। अच्छा अच्छा, बस 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 ऐसे देखो देखो, आर ई सी लिखा है, आर ई सी लाल लाल लगाना पड़ेगा, देखो आर ई सी लाल लाल, हाँ हाँ लिखा है लिखा है, ठीक एक मिनट रुक जाओ, हाँ हाँ ये अब ठीक, अब इसके ऊपर हाथ ना लगाओ, ठीक ठीक ये ये एक बटन निकाल दाब दे हो तो फोटो ले लीजिए, ठीक इधर आइए, हाँ इधर आइए, तो उसी को दाब दिया फोटो आइए, इधर आ जाइए, इधर इधर आ जाइए, दाबने से फोटो आ जाएगी, तो ये ले ले, हाँ हाँ ये ऐसे दाबो इसी को, छोटे वाले को इधर ऐसे, देखिए इधर ऐसे, हाँ ठीक बस ठीक है, एक बार दाब दीजिए अपने आप फोटो ले लेगा। और यहाँ ये गांव का नाम क्या है? खंडे, ग्राम खंडे, ग्राम पोस्ट खंडे। अच्छा खंडे गांव, और जिला हमीरपुर है, ये हमीरपुर जिला है जहाँ के हम लोग, हमारे जो पूर्वज थे वो इसी जिले के रहने वाले थे, हमीरपुर के हम लोग मिश्रा कहलाते हैं। अब हम लोग रायबली से चले, फतेहपुर आए, बांदा आए, बांदा से हमीरपुर आए, अब हमीरपुर से हम हमारी वापसी यात्रा जाएगी कहाँ, ये क्या नाम महोबा, और वहाँ दैनिक जागरण के वही रिझारिया साहब मिलेंगे, वहाँ उनसे मुलाकात होगी, वहीं हमारा ये इसका समापन होगा वात्सल्य यात्रा का। आज 20 मई 2013 है, हमीरपुर के गांव में, कभी हमने सपने में नहीं सोचा था कि हम अपने पूर्वजों के गांव में फला गांव में हमको जाना होगा, जब संयोग हुआ तो हम अचानक आ गए, तो हम वाणी को विराम दे रहे हैं और यहाँ सब कुछ आपने देखा, और हम लोग अब महोबा के लिए रवाना हो रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जै श्री राम।